हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप जानते ही हैं कि त्योहार स्टार्ट हो चुके हैं और त्योहारों के मौसम में हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन फ्रेश लगे, बेदाग लगे और सुंदर लगे और ग्लोइंग लगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही रेमेडी शेयर करने जा रही हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसे एक हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं तो आप भी पा सकते हैं बेदाग त्वचा और ग्लोइंग स्किन। तो चलिए देख लेते हैं। और ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है, सभी इन्ग्रीडियंट आपको आपकी किचन में इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और आपको इस रेमेडी को तैयार करने के लिए चाहिए एक चम्मच हनी और हाफ टमाटो। तो चलिए अब देख लेते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपने इस तरह से इसे टमाटो को शहद में डिप कर लेना है और 3 से 4 मिनट तक अपने फेस पर इसे मसाज करना है। इस रेमेडी को आपने डेली अप्लाई करना है अपने फेस पर। और इसे आप अगर एक हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पर जितने भी दाग धब्बे हैं, पोर्स हैं, वो भी क्लीन हो जाएंगे और आपके दाग धब्बे भी साफ हो जाएंगे। और इससे आपको मिलेगी एक क्रिस्टल क्लियर स्किन, एकदम ग्लास स्किन मिलेगी। इसे प्लीज एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेमेडी है। और ड्राई स्किन वालों के लिए ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। ड्राई स्किन में ये मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है और आपके पोर्स को भी क्लोज करने में हेल्प करेगा। तो बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है, इसे प्लीज एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट मैंने मसाज कर लिया और मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करके आती हूँ। तो ये देखिए, मैंने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया अपने फेस को। और इसके बाद आपने कोई भी सोप या फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ भी लग रही है स्किन और बहुत अच्छा एक ग्लो भी आया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई रियली होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ग्लोइंग स्किन पा सके इस त्योहारों के मौसम में। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।